भगत सिंह का सम्मान करते हैं, करते होंगे और करना भी चाहिए। जिस उम्र में आप गुलाब का फूल लेकर घूम रहे हैं, उस उम्र को फांसी का फंदा लेकर घूम रहा था। जब मैं भगत सिंह की जीवनी पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उनकी जीवनी के पढ़ने के बाद इतना कहना चाहूंगा, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी चमन की बेनूरी पे, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी चमन की बेनूरी पे, मुश्किल से होते हैं चमन में आई से दीज बार फायदा। सिर्फ 3 साल के यानी 23 ईयर्स जब उनको फांसी दी गई है, उन्होंने फांसी के फंदे को खुद चुन लिया और चुनकर पहन लिया। क्या जज्बा था, क्या जुनून था। जब 13 साल के थे तो स्कूल क्विट कर दिया, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है बल्कि मुझे गांधी जी के साथ आजादी में हिस्सा लेना है और अपने देश को आजाद करना है। ये था आजादी का जुनून। आज यहाँ के 13 साल के बच्चे को कहते हैं ये दूध पीता हुआ बच्चा है। अरे वो भी बच्चे थे जिन्होंने अपना जान निशावर कर दिया इस देश पर। ऐसे ही आज इस दिन पर उन लोगों को याद नहीं करते हैं। और उनका एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। 1924 में जब भगत सिंह की माता जी ने कहा भगत सिंह को, बेटा अब आपको दुल्हनिया लाना पड़ेगा जो आपके लिए खाना बनाएगी, रोटी पकाएगी, तो भगत सिंह ने बापू जवाब दिया, इस पर मुझे एक शेर याद आया है, मेरा एक सपना है जिसको मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, मेरा एक सपना है जिसको मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी भर गुमनाम रहे पर्वत में मशहूर चाहता हूँ। तो उन्होंने बापू जवाब दिया माँ मेरी दुल्हनिया नहीं होगी, मेरी दुल्हनिया सिर्फ और सिर्फ आजादी होगी। ऐसे ही बहुत सारे आजादी के अंतिम दिवाले थे। लेकिन आज मैं इस मंच पर उन वीर सपूतों की कुर्बानियां नहीं गिनूंगा, नहीं उनके बलिदानों पर लिखा छोपा दूंगा, बल्कि आज मैं अपने देश के प्रति योगदान के बारे में बात करूंगा। क्या आपने अपने देश को महान बनाने के लिए कुछ किया है या कर रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, देश महान कब बनता है? देश महान तब बनता है जब देश के देशवासी महान होंगे, क्योंकि देश तो देशवासी से ही बना होता है। जब हम महान बनेंगे फिर ये देश महान बनेगा। और क्या हम सब भारतवासी महान बन रहे हैं? क्या हम महान बनने के लिए कुछ कर रहे हैं? कहीं हम इसका उल्टा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम पान खाकर दीवारों पर नहीं ठोक रहे हैं? कहीं हम घर से कचरा निकालकर सड़कों पर तो नहीं फेंक रहे हैं? कहीं हम कमरे में पंखा और लाइट खुला रखकर बाहर तो नहीं टहल रहे हैं? कहीं हम पानी की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम थाली में परोसा खाना छोड़कर अन्न का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? अफसोस इस बात का है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा करने का मतलब है कि हम महान नहीं बन रहे हैं। जब हम महान नहीं बनेंगे तो देश कैसे महान बनेगा? हर एक का बदलाव, हर चीज का बदलाव खुद से शुरू होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, आप ऐसा बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। इसलिए हमें ऐसा बदलाव बनना है। अगर हम गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान, तो इसके लिए हमें पहले ये शब्द बोलने से पहले हमें खुद महान बनना है। जब हम खुद महान बनेंगे तो तब हम गर्व से कहेंगे मेरा भारत महान। हमें हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी थी। दुनिया दीजिए, करनी दीजिए, दुनिया क्या करेगा। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, बस आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, फिर हम गर्व से कहेंगे मेरा भारत महान, और इस भारत को महान बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा।